इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नज़म जिसका नाम है द लिटिल टी पॉट। द लिटिल टी पॉट, आप भी मेरे साथ पढ़ें। द लिटिल टी पॉट यानी एक छोटी चैनक। टी पॉट कहते हैं चैनक को, और लिटिल का मतलब होता है छोटी। द लिटिल टी पॉट यानी एक छोटी चैनक। चलें अब हम ये नज़म पढ़ते हैं, आपने भी मेरे साथ पढ़ना है और फिर मैं आपको उर्दू में भी समझाऊंगी। आई एम अ लिटिल टी पॉट, शॉर्ट एंड स्टाउट। This is my handle and this is my spout. Just pick me up and pour me out. फिर से पढ़ते हैं, आपने भी मेरे साथ पढ़ना है। I am a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. Just pick me up and pour me out. चलें अब मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ। I am a little teapot. यानी ये टी पॉट या चैनक अपने मुतलक बता रही है कि मैं एक छोटी सी चैनक हूँ। लिटिल का मतलब होता है छोटा या छोटी, और टी पॉट यानी चैनक। आई एम अ लिटिल टी पॉट यानी मैं एक छोटी सी चैनक हूँ। शॉर्ट एंड स्टाउट, शॉर्ट का मतलब होता है छोटी या लंबाई में कम, और स्टाउट का मतलब होता है मोटी। यानी ये बता रही है कि मैं छोटी सी चैनक हूँ और मेरी लंबाई भी कम है और मैं मोटी सी भी हूँ। दिस इज माई हैंडल यानी अब वो अपने हैंडल से मुतलक बता रही है कि ये मेरा हैंडल है। एंड दिस इज माई स्पाउट और ये मेरी टूंटी है यानी जिसकी मदद से चाय डाली जाती है। ये चैनक के आगे लंबी सी होती है। जस्ट पिक मी अप और अब ये टीपॉट बता रही है कि मुझे सिर्फ आपने अपने हाथ में उठाना है। एंड पोर मी आउट और मुझे थोड़ा सा टेढ़ा या तिरछा करना है ताकि मेरे अंदर अगर चाय है तो वो बाहर आ जाए या बाहर कप में निकल आए। और किसकी मदद से कप में निकलेगी? इस स्पाउट की मदद से। चलें अब हम फिर से रीड करते हैं। आई एम अ लिटिल टी पॉट, शॉर्ट एंड स्टाउट। दिस इज माई हैंडल एंड दिस इज माई स्पाउट। जस्ट पिक मी अप एंड पोर मी आउट। I am a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. Just pick me up and pour me out. चलें अब हम इसे थोड़ा सा गा के पढ़ते हैं, आपने भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। I'm a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. Just pick me up and pour me out. फिर से पढ़ते हैं। I'm a little teapot, short and stout. This is my handle and this is my spout. Just pick me up and pour me out. बहुत खूब,
अब आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ में इस नज्म को दोहराने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप बहुत जल्द ये नज्म या राइम सीख जाएंगे।